विस्फोट के साथ लगी भीषण आग। गाजियाबाद थाना साहिबाबाद क्षेत्र के DLF कॉलोनी में धमाके के साथ तीसरी मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। धमाका सिलेंडर फटने से हुआ या AC फटने से हुआ, इसकी जांच की जा रही है। धमाका इतना जबरदस्त था कि फ्लैट में कई दीवारें खिड़की दरवाजे तक धमाके का टूट कर गिर गए। वहीं सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी DLF कॉलोनी अभिनय कुमार, क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद डॉक्टर राकेश कुमार मिश्र, प्रभारी निरीक्षक तीला मोड़ रण सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। धमाके से घर में रखा तकरीबन लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ साहिबाबाद अग्निशमन अधिकारी मामचंद बट गुजर एवं फायर ब्रिगेड में कर्मचारियों द्वारा 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग में पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया। मौके पर पहुंचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मकान नंबर B1 DLF कॉलोनी तीसरी मंजिल पर मोनी पत्नी मुकेश कुमार के साथ रहती थी। एक जोरदार धमाके के साथ फ्लैट में आग लग गई, जिसकी जांच की जा रही है। महिला के परिवारजनों द्वारा उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला आग लगने से झुलस गई है, वहीं घर में रखे सामान को भी आग लग चुकी है, इसे पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। तो आज फ्लैट में आग लगी है, इसके विषय में कोई जानकारी है तो बताइए। मुकेश व्यक्ति का फ्लैट था, जिसमें सिलेंडर फटने से ये दुर्घटना हुई। इसमें उसकी घरवाली जो है घायल है, इसको अस्पताल पहुंचाया गया है और DLF वासियों की मदद से आग बुझाने का प्रयास जारी है। मौके पर पुलिस पहुँची, फायर ब्रिगेड अभी तक पता नहीं है। फोन किया था किसी व्यक्ति? हाँ, फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, लेकिन अभी तक मौके पर पहुँची नहीं है। आग लगने का इसमें कोई कैजुअलिटी तो नहीं है? ये दूसरी तरफ मुकेश जी का फ्लैट था, तो उसमें अचानक बताया गया एक ब्लास्ट हुआ है, और आकर के देखा गया तो आग लगी हुई थी और दीवार भी टूटी हुई मिली और छत भी क्रैक है। और बताया जा रहा है कि एक मोनी नाम की महिला आंशिक रूप से जो है झुलसी है, जिसे अस्पताल भिजवा दिया गया है और आपको पूरी तरह बुझा दिया गया है। और इसके बाद जांच की जाएगी कि ये आग कैसे लगी, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, AC भी बता रहे हैं ब्लास्ट हुआ, ये सब बाद में जाँच के बाद पता लगेगा।